आज के इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन वेरिएबल साइज पार्टीशन। ये हमारा मेमोरी मैप दिया हुआ है, इसमें पार्टीशन है आपका 8KB, 12KB, 22KB, 18KB, 8KB, 6KB, 14KB एंड 36KB का ये आपका फ्री पार्टीशन है। देखिए क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी सक्सेसिव रिक्वेस्ट ऑफ 6KB will be satisfied by using first fit allocation method if variable size partition scheme is used। तो variable size partition scheme में आपको बताए थे कि partition जो है वो further sub partition में क्या होता है, break होता है। तो हमारा process का request कितना है, 6KB का successive request। तो number one, ये यहाँ पे 8KB का है, one attempt यहाँ पे होगा, ठीक है। 6KB 2KB का एक पार्टीशन बन जाएगा, बट 6 चाहिए तो एक ही अटेम्प्ट होगा इस पार्टीशन में। यहाँ पे पार्टीशन का साइज 12KB है, यहाँ पे 6+6 दो अटेम्प्ट होगा। यहाँ पे आपका 22KB का पार्टीशन है, 3 अटेम्प्ट होगा। यहाँ पे आपका 3 अटेम्प्ट, 18KB का है, 6KB, 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 ठीक है। यहाँ पे आपका 1, ठीक है। 8KB का पार्टीशन है, 6KB का है, 1 अटेम्प्ट। यहाँ पे आपका 14KB का है, 2 अटेम्प्ट होगा। यहाँ पे आपका 36 का है, 6 अटेम्प्ट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में क्या था हमारा, हाउ मेनी सक्सेसिव रिक्वेस्ट ऑफ 6KB विल बी सैटिस्फाइड बाय यूजिंग फर्स्ट फिट अज्यूमिंग वेरिएबल साइज पार्टीशन स्कीम। वेरिएबल साइज में यहाँ पे जैसे 36 का है, तो 6 का 6 पार्टीशन बन जाएगा, मतलब 6 सक्सेसिव रिक्वेस्ट यही पे होगा। टोटल काउंट करते हैं हम लोग, 1+2+3+3+1+1+2+6, टोटल अटेम्प्ट जो होगा आपका 19, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 19। टोटल 19 सक्सेसिव रिक्वेस्ट होगा ऑफ 6KB पार्टीशन यदि हम लोग वेरिएबल साइज पार्टीशन स्कीम यूज करते हैं। थैंक यू।